सब्सक्राइब करें फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार, मैं विकास शर्मा, फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मेरे किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और भारत के अंदर सभी किसानों से शेयर करें, व्हाट्सअप करें और सब्सक्राइब करके जो बगल में बेल घंटी है उसको आप जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मेरे किसान भाइयों, जो आप ये देख रहे हो, ये करुंज का पेड़ है, करुंजा का पेड़। और ये करुंजा का पेड़, इस पर ये देख रहे हो, तो हो सकता है भारत के अंदर कई किसान ऐसे हैं जो करुंजा की खेती करते हैं और करुंजा की खेती करके बहुत ही मोटा लाभ कमाते हैं, बहुत ही अधिक लाभ कमा लेते हैं। और भारत में कई ऐसे किसान भी हैं जिनके खेत में या घर के अंदर इक्का दुक्का करुंज का पेड़ लगा हुआ है, जो करुंज आता है, ये बिल्कुल खट्टा रहता है और इसकी सब्जी में काम आता है ये, और अचार में भी काम आता है। तो बात है कि कई बार मेरे को कई किसानों ने बोला भी कि विकास जी, आप करुंज के पेड़ पे वीडियो बनाओ। तो उनकी शिकायत थी कि करुंज के ऊपर फ्लोर नहीं आते थे और फ्लोर भी नहीं आते थे और जो करुंज का जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन भी नहीं आता था। तब मैंने उन किसानों का कहना मान के मैं अब ये करुंज का वीडियो बनाया और बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके घर में या फार्म हाउस के करुंज का पेड़ है और इस पेड़ के ऊपर फ्लोर नहीं आ रहा है, अब करुंज का प्रोडक्शन या फल नहीं लग रहा है, तो मेरे किसान भाइयों, आपको सबसे पहले करना क्या पड़ेगा कि आप 250 ग्राम शहद ले लीजिए, 250 ग्राम आप शहद ले लीजिए और 250 ग्राम आप लोटे का गुड़ ले लीजिए। जो लोटे का गुड़ आता है जानवर खाते हैं, काला गुड़, तो 250 ग्राम लोटे का गुड़ हो गया, 250 ग्राम शहद हो गया, उसको पानी के अंदर आप घोल बना लीजिए उस शहद का। और जो स्प्रे करने की आती है मशीन, हैंड मशीन आती है जो खेती में अपने सब्जियों के ऊपर स्प्रे करते हैं, हैंड मशीन स्प्रे करने की, उस 15 लीटर की टंकी आती है जो पीठ पे लगा के स्प्रे करते हैं हम, तो आप 250 ग्राम शहद उसके अंदर डाल दीजिए, 250 ग्राम लोटे का गुड़ उसके अंदर डाल के और 12-13 लीटर पानी से भर लेना और उसका स्प्रे आप इस करंज के पेड़ पे करें। तो करंज पे, ये करुंजा का पेड़ पे आप करोगे स्प्रे, तो जैसे एक स्प्रे आपने पहला स्प्रे कर दिया और पहले स्प्रे के 15 दिन के बाद में एक स्प्रे आपको और करना है, तो आपको ये दो स्प्रे करना है। और ये दो स्प्रे करने के बाद में आप ये देख रहे हो फ्लोर, ये फ्लोर बहुत ही अच्छे फ्लोर आ रहे हैं और आपको नज़दीक से दिखा दूँ, ये बिल्कुल फ्लोर सुरक्षित है और इसके बहुत बहुत संख्या के अंदर करुंजे लगने वाले हैं और मेरे घर में जितने करुंजे काम आएंगे वह घर में ले लूँगा और बाकी के करुंजे को मैं बाजार में मंडी में बेच दूँगा। तो मेरे किसान भाइयों, आपको करुंजे के, अगर आपके घर में या फार्म हाउस में करुंजे का पेड़ है और वह बिल्कुल ही मतलब फ्लोर नहीं आ रहे हैं और करुंजे नहीं लग रहे हैं, तो आप शहद का और लोटे का गुड़ का उपयोग में लीजिए स्प्रे के अंदर, प्रोडक्शन बहुत अच्छा लगेगा। और इसके जड़ में जो देना है, इसमें जड़ के अंदर क्या देना है, तो अगर जड़ का मैं किसान भाइयों में अगर बताऊंगा आज पूरा, तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इस करुंजे के पेड़ के ऊपर में जो जड़ में जो खाद देना है, कौन सा खाद देना है, किस प्रकार से खाद देना है, इसका दूसरा पार्ट लेके आऊँगा और दूसरे पार्ट के अंदर मैं बताऊँगा, दूसरे भाग के अंदर मैं बताऊँगा कि जड़ के अंदर कौन सा खाद दें। तो धन्यवाद मेरे किसान भाइयों, अगला वीडियो फिर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा और आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, भारत के अंदर सभी किसानों से शेयर करें, व्हाट्सअप करें
और जो रेड कलर का जो सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है वो सब्सक्राइब करें, और जो बगल के अंदर जो बेल घंटी है उसको आप ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे कृषि संबंधी मेरी जानकारी और मेरे नए नए अनुसंधान आपके पास आसानी से पहुंच सके। जय जवान जय किसान।